Welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject geography, class 7th, chapter number 2nd. The name of the chapter is Inside Our Earth, Hamari Prithvi ke Andar. Here the chapter begins. The earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? क्या आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी कितने पदार्थों से बनी है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग. जस्ट लाइक एन ऑनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. पृथ्वी का आंतरिक भाग एक पृथ्वी एक प्याज की तरह पृथ्वी के ऊपर एक संकेतरी परतें बनी हुई होती हैं. पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी या क्रस्ट कहते हैं. इट इज द थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर्स, यह जो जितनी भी परतें हैं सब परतों में सबसे ज्यादा पतली परत होती है. इट इज अबाउट 35 किलोमीटर और यह करीब 35 किलोमीटर तक है. ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस And only 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर. और यह जो महाद्वीपीय संहिति में तो 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया. और महाद्वीपीय संहिति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना से आदि खनिजों से मिलकर बनी है. इट इज दस कॉल्ड सिलिका या सियाल. इसको सिलिका या सियाल शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं. एंड ए एल फॉर एल्यूमिनियम, एस आई फॉर सिलिका एंड ए एल फॉर एल्यूमिनिया, क्योंकि सी से सिलिका का अर्थ जाहिर होता है और ए एल से एल्यूमिनियम. द ओशेंटिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और जो जो महासागरीय जो क्रस्ट है वह दो तत्वों से मिलकर बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम. इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा, एस आई फॉर सिलिका एंड एम ए फॉर मैग्नीशियम. सी से अर्थ है सिलिका और एम ए से मतलब है मैग्नीशियम. फिगर नंबर 2.2 में आप देख सकते हैं. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. और जो क्रस्ट लेयर है पृथ्वी की उसके बिल्कुल नीचे जो डेप्थ है वहां पर मेंटल फैली हुई है और यह लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है बिलो द क्रस्ट. और ये बिल्कुल क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा होती है. अपर लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट. हेयर यू कैन सी क्रस्ट लेयर. क्रस्ट के जस्ट नीचे ये मेंटल है और मेंटल से सबसे नीचे इनर कोर होती है. दिस इज इनर कोर, दिस इज मेंटल एंड द अपर लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट. दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज ओशन, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंट्स. फिगर नंबर 2.2. The innermost layer is the core with the radius of about 3500 किलोमीटर. इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और यह मुख्यतः इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन. इट इज कॉल्ड नेफा. और यह मुख्यतः निकेल और लोहे की परतों की बनी होती है और इसे निफे भी कहा जाता है. नी से निकेल और फे से फेरस, ये दो इन शब्दों से मिलकर इनको शॉर्ट फॉर्म में निफे भी बोलते हैं. द सेंट्रल कोर हैज बीन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर.
और जो केंद्रीय क्रोड है उसका तापमान और दाब काफी उच्च होता है. रॉक्स एंड मिनरल्स, शैल और खनिज. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स. पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई होती है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं. देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. तीन प्रकार के शैल मुख्य रूप से पाई जाती हैं. इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायंत्रित शैल. When the molten magma cools, it becomes solid rocks. Thus formed are called igneous rock. जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने हुए सेल को आग्नेय सेल कहते हैं. They are also called primary rocks. और इनको प्राथमिक चट्टानी भी कहा, प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक सेल भी कहा जाता है. There are two types of igneous rocks. और आग्नेय सेल के दो प्रकार होते हैं, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक. अंतर्भेदी सेल या बहिर्भेदी सेल. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनोस. लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. मुख्य रूप से क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में यह एक आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है जो कम आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जो पृथ्वी के गर्भ से निकलकर इसकी सतह पर आ जाता है. व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और जब ये लावा इस पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, इट रैपिडली कूल्स, और यह स्पीड से ठंडा हो जाता है. एंड बिकम सॉलिड, और यह कठोर बन जाता है. रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे, और इस तरह से बनी हुई जो चट्टान होती है उन क्रस्ट, जो कि क्रस्ट पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाती है, कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. उसको हम बहिर्भेदी आग्नेय सेल भी कहते हैं. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और इसमें इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर बेसाल्ट, बेसाल्ट एक नाम है. द दक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स. जो दक्कन का पठार है वह इसी तरह की चट्टान का बना हुआ है. समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. कभी कभी भूपरपटी के अंदर गहराई में ही कुछ लावा ठंडा हो जाता है. इस प्रकार के ठोस पर सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं. जो पृथ्वी से बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही रह जाता है तो उसको कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल. सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंस्टीट्यूटिव इग्नियस रॉक्स. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. और क्योंकि यह देर से ठंडा होता है इसलिए इसके कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स. और ग्रेनाइट ऐसे सेल का एक बड़ा उदाहरण है. ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट. और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है जैसे लेई मसाले दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के ही बने होते हैं. रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. सेल लुढ़ककर
या चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिस्पोजिटेड बाई वेन वाटर ETC और ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा करा दिए जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स और ये अधृढ़ अवसाद दबकर या कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स और इस तरह की ही सैलों को अवसादी सैल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। जो बलवा पत्थर है रेत के दानों से ही बनता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. और इन सैलों में पौधे जानवरों और सूक्ष्म जीवों के भी अंश देखने के लिए मिलते हैं जो कभी इन सैलों पर रहा करते थे जिनको जीवाश्म भी कहा जाता है। Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under a great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. आग्नेय और अवसादी वो सैल जो होते हैं उच्च ताप और दाब के कारण कायंत्रित सैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। Okay students, this is enough for today. To read more, watch next video.